हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं अलीशा और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलीशा सिंगला में। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में, जो सर्दियों में लगने वाली मेन सब्जियां हैं। फटाफट से बता देती हूं क्योंकि 2 ही मिनट का वीडियो है। तो पहले नंबर पे सब्जी जिसको आप बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं वो है मूली। मूली एक देखिए गोल वाली होती है और एक होती है वाइट वाली, तो आप दोनों लगा सकते हैं। गोल वाली जो है वो विद इन अ मंथ आपको हार्वेस्टिंग देनी स्टार्ट कर देती है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, रेज्ड बेड्स बनाने हैं। अगर आप क्यारियाँ बना के लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और मिट्टी के अंदर बालू ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जड़ वाली सब्जियाँ होती हैं ना उनको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, फिर ही जो उनकी जड़ें हैं वो बढ़ती हैं। तो अब मूली लगा सकते हैं। मूली अगर आप इस टाइम पर लगाएंगे तो गर्मियाँ आने तक ये आपको 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग दे देगी, तब मूली ट्राई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो रखा है उसको मैंने रखा है ग्रीन्स वाली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं। जैसे दूसरे नंबर की बात करें तो मेथी, मेथी के सीड्स आपको मार्केट से और घर पे किचन में ईजिली मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े स्प्रेड करने हैं और बहुत ईजिली ये जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। किस तरह के गमले में या ग्रो बैग में लगाना है, साइड में आपको पिक्चर शो हो रही होगी, उस तरह का ग्रो बैग अगर आप चूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, इनको थोड़ा शैलो पॉट चाहिए होता है तो अच्छे से फैलती हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो धनिया आप लगा सकते हैं। धनिया के लिए ही सेम ग्रो बैग, इस तरह का ग्रो बैग आप ट्राई कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, धनिया को भिगो के लगाइएगा, जल्दी जो है जर्मिनेशन हो जाएगी। थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, फिर उसके बाद भिगो दीजिएगा, फिर लगाइएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको धनिया से भी मिलेंगे। उसके बाद जो चौथे नंबर की सब्जी है वो है जी पालक। पालक को भिगो के लगाएं, बिना भिगोए लगाएं, लेकिन शैलो पॉट में सॉफ्ट मिट्टी में लगाइएगा, तो पालक भी पूरी सर्दियां आपको हार्वेस्टिंग देता रहेगा। रेसिपीज़ में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पालक का। आप अपने बच्चों को ग्रीन परांठे खिला सकते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। शलजम आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, शलजम या बीटरूट दोनों ही लगा सकते हैं आप, बस मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए शलजम तो है ना पक जाता है, अगर आपने टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया ना तो उसके अंदर फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो पक जाता है। लेकिन जो छठे नंबर की सब्जी है बीटरूट, वो नहीं पकती। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे ना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन बीटरूट पकती नहीं है। उतनी ही फ्रेश आपको हार्वेस्टिंग बीटरूट की मिलती रहेगी। अगर आप हार्वेस्ट करना भूल गए या आपको बड़े साइज़ के बीटरूट चाहिए तो आप उसको छोड़ सकते हैं, वो बढ़ती रहेगी साइज़ में, उसके अंदर कोई भी रेशे वगैरह नहीं बनते हैं, तो बीटरूट काफ़ी लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बनी रहेगी। इन्हीं सब्जियों से सिमिलर जो है वो है आलू। आलू को ग्रो करना काफ़ी ईजीली है। स्प्राउटेड आलू लीजिए और बालू मिक्स मिट्टी में लगाकर छोड़ दीजिए। विद इन अ 1 to 2 वीक उसकी पत्तियां आ जाएंगी, और जब पत्तियां सूख जाएं तो आलू जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। उसके बाद की जो सब्जी है वो है मटर। मटर जो है एक क्लिम्बर वैरायटी होती है जिसको बढ़ने के लिए सहारा चाहिए, ज़्यादा डीप उसकी जड़ें नहीं जाती है, तो आप मटर भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देता है, प्लस मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करता है। नेक्स्ट जो है वो है बीन्स। बीन्स भी आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। बीन्स आपको फलियां भी देगा, प्लस साथ साथ में आपकी मिट्टी को न्यूट्रिशन रिच भी बनाता है। नेक्स्ट जो सब्जी है वो बहुत कॉमन है, टमाटर। सर्दियों में देखिए टमाटर लगाइए, घर के जो सीड्स होते हैं ना उन्हीं उसी से ग्रो कीजिए, तो टमाटर भी काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।